ದಿಲ್ಲಗಿ ತೊಡಿಸಿ ದಿಲ್ಲಗಿ 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 ತೊಡಿಸಿ ದಿಲ್ಲಗಿ ಆಚೆ ರೂಪದ ಫೂಲ ಬನ್ಕಿ ಔರ್ ದೇಖದೆ ದೇಖದೆ ಸರಾಪ ಮೊಹಬ್ಬತ್ ಬನಿ ದಿಲ್ಲಗಿ ದಿಲ್ಲಗಿ ತೊಡಿಸಿ ದಿಲ್ಲಗಿ 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 ತೊಡಿಸಿ ದಿಲ್ಲಗಿ 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 ये सब तुम्हारे लिए बेटा। मेरे लिए? किसने भेजे? हाँ, किसने भेजे? कौन लाया पापा? हाँ, कौन लाया? ओ पापा, किसने भेजे बताया ना प्लीज। रुस्तुम आया था, रुस्तुम वो ही छोड़ गया। Thank you very much for coming into my life. हेलो प्लाकू, चाय पियोगी? हाँ पिलाओ। अबे क्या काशिफ, तुम्हारे हिसाब से तो जो कैंटीन है ना वो कॉलेज के अंदर नहीं होना चाहिए थी, बल्कि कॉलेज कैंटीन के अंदर होना चाहिए था। बात क्या है, हर वक्त कैंटीन के बाहर बैठे रहते हो या अंदर बैठे रहते हो? यार मैंने कौन सी क्लास पढ़नी है? हाँ, पहले तो तुम सारी क्लासे पढ़ते थे। ए हेलो, भूल गया, प्रोफेसर खालिद की क्लास में सबसे पहले जाता था ताकि आखिरी बेंच पर जगह मिल सके। चलो उठ, उठ। क्या तो देख, कुछ नजर आया तुम्हें? किसने कहा मेरी नजर खराब है? होनी भी नहीं चाहिए, अंदर जिस पर डाले खराब नजर डालता है। वो सामने देख, अक्षय अकेली बैठी हुई है। तो क्या करूं, उसका पर्स उठा के भाग जाऊं? नहीं यार, देखना। वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, तू ठीक नहीं है। उसके घर मौजूदगी में इतनी बातें करता है, चल जाके उससे बात कर। लेकिन कहूंगा क्या? उसे जाके कहो कि जंगे आजादी किस साल हुई थी। लेकिन वो तो मुझे पता। अबे चल चल। किधर आ रहे हैं यार? वो तो बातें नहीं कर रही। तुझे किसने कहा उसे अकेले में बात करने की आदत है? कुछ कहोगे तो बोलेगी ना। मेरे साथ तो बड़ी टर-टर बातें करते रहते हो। बेवकूफ, मोहब्बत में इजहार ही सब कुछ होता है। चल बात करो उसे। मेरा नाम काशिफ है। मुझे पता है। आप अकेली बैठी हैं? मेरे ख्याल है हाँ। बहुत अच्छी बात है जी। कुछ और भी बक? क्या कहा? नहीं है, मैंने नहीं कहा। वो कॉलेज के हमारा लड़के ऐसी जुबान इस्तेमाल करते हैं। कुछ और भी बोल गधे। ये कौन बोला? मैं नहीं, आपको नहीं कह रहा। मुझे तो आपसे कुछ पूछना था। क्या पूछना था? आपको कैसे पता कि मुझे आपसे कुछ पूछना था?
अभी तो आपने कहा कि आपको मुझसे कुछ पूछना है, आप पूछिए ना, क्या पूछना है? हाँ वो ये कि आपकी क्लास कहाँ हो रही है? मैं अब आपका क्लास फेलो हो गया हूँ, इसलिए। बड़ी तरक्की की। हाँ तरक्की की है, तरक्की पढ़ूंगा नहीं तो तरक्की कैसे करूंगा, बड़ा आदमी कैसे बनूंगा? लेकिन आपको पढ़ने की क्या जरूरत है, आपको तो सब कुछ आता है ना? हाँ यही तो कहना था। क्या? कि मुझे सब कुछ आता है। मैं बताता हूँ जी आपसे, इसने क्या कहना है, ऐसे बोंगियां मार रही है। क्या मतलब? आप इसकी बात पे मत आइएगा, ये तो ऐसे बोलता रहता है, ये तो सोते में भी बोलता है। जी मौसूफ आपसे फरमाते हैं। नहीं इसका दिमाग खराब है। मेरा दिमाग खराब है जी? अभी से चीख पाक कर, अच्छा बाद में तूने मेरा सर खाना है और बाद में पछताना है। ये मौका अच्छा है बात करने, अच्छा कर ले बात। ये जी बाद में मेरा दिमाग खा जाता है, इसने बोल बोल के मेरा दिमाग नरम कर दिया है, हालांकि इसका दिल नरम होना चाहिए, दिमाग नहीं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हौसला करो, हौसला कर, हौसला। वो बात दरअसल ये है कि आप मुझे बहुत मेरे कजन आ गए, मैं चलती हूँ और जो कुछ कहना है वो हम बाद में करें। बाय। अच्छी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, थोड़ा और दूर जाना है उसे, अच्छी लगती हैं। जितनी देर तुम इजहार मोहब्बत में लगाते हो ना, इतनी देर में अमरीकी हनीमून मना के वापस आ जाते। तुमने मेरी चाय क्यों पिलाई थी? तुझे एक आइडिया देता हूँ। हाँ? आप वहीं से जाके चाय उठा। चल आजा। कम ऑन नजमी, वो किरण है, क्यों नहीं मानेगी? मैं बात करूंगा। ओके ठीक है, मैं बात करता हूँ, बाय। हेलो। वाओ बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। लड़कियों के लिए बड़ी उम्र का होना कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं। किरण, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मुझे भी तुम्हें एक मजे की बात बतानी है। तुम्हें पता है अंदर फूफा और रऊफ क्या बातें कर रहे हैं? अंदर की बात का मुझे कब पता होता है, बताओ। चलो तुम भी क्या याद करोगे, पहले तुम बताओ। Now, ladies first. मैं कोई लेडी बेडी नहीं हूं, आई एम अ गर्ल। चलो ठीक है मैं बताता हूं। किरण, तुमने कुछ दिनों से मुझ में कोई तब्दीली महसूस की है? हाँ। अच्छा कब से? तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है? कम ऑन किरण, तुम्हें पता है कि एक्शन कमेटी के सामने मैंने खुद को कसूरवार क्यों माना था? इसलिए कि एक्शन कमेटी के सामने खड़े होकर ही बात की जाती है। नहीं तुम्हें पता है कि ये सब कुछ मैंने किसके लिए किया था? ये सब कुछ मैंने अफशी के लिए किया था। मुझे ऐसा लगा कि अगर उसे कॉलेज से निकाल दिया गया तो भरा हुआ कॉलेज खाली हो जाएगा। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। किरण प्लीज प्लीज ये बात भाई और मामा को मत बताना, प्लीज प्लीज। ये बात तो मैं खुद को भी नहीं बता सकूं। ओह थैंक यू किरण, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, अब मुझे मेरी मोहब्बत मिल के रहेगी क्योंकि मेरी किरण मेरे साथ है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
Excuse me. मैंने अभी तक जो बेवकूफियाँ और बदतमीजियाँ की हैं, मैं उसके लिए आपसे माफी चाहता हूँ। लेकिन ये सब कुछ मैंने मोहब्बत में किया है। क्या बात है जी? कुछ नहीं, बस आपके कजन कुछ पूछ रहे थे। वो किरण, जरा बताना मैं कौन से कपड़े पहन के जाऊं? आज पहली बार तो जाना उसके घर। किसके घर? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम पढ़ रहे हो। पढ़ूंगा तो उसे पढ़ाऊंगा ना। वो खुद ही कागज छोड़ दे तो बेहतर है। और वैसे भी एक्शन कमेटी के इजलास का मतलब यही है कि उसे निकाल दिया जाए। ये चाहती है उसके बगैर कॉलेज का क्या बनेगा? क्या वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। मलाइका। यस सर। अब्दुल गफूर। यस सर। किरण। यस सर। शहजाद सलीम। यस सर। अरशद खान। यस सर। शगुफ्ता अली। यस सर। खड़े हो जाइए। देखिए जी, ये हैं शगुफ्ता अली। नो प्रॉक्सी एट ऑल। बैठिए। सोबिया। प्रेजेंट सर। फरिया ताज। यस सर। जाहिद मुबारक। यस सर। हमारा आज का मौजू है इबला। इबलाग यानी कम्युनिकेशन। इंसान ने जब इस जमीन पर कदम रखा तो उसे सबसे पहले जिस मसले का सामना था वो था उसके जज्बों का इजहार, यानी उसके गम का, गुस्से का, मोहब्बत का, प्यार का, नफरत का, लड़ाई का, झगड़े का, इन चीज़ों का इजहार। तो उसके लिए उसे जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो थे, नंबर वन लफ्स और दूसरा एक्सप्रेशन। किरण, कहाँ खोई हुई हो? सर वो कहीं नहीं। कहीं नहीं। किरण हमें बताएगी कि हमारा आज का टॉपिक क्या था। यस किरण। सर वो आज का टॉपिक। हाँ। सर, आई एम सॉरी। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। देखो किरण, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम घर जा सकती हो। थैंक यू सर। देखिए, क्लासरूम में आप लोगों को यहीं हाजिर रहना चाहिए, फिजिकली भी और मेंटली भी। हाँ, तो मैं बता रहा था कि डूब सुने, सच अ नाइस कॉन्सेप्ट। ब्यूटी पार्लर के बाहर लगा हुआ बोर्ड, यहाँ से तैयार होकर निकलने वाली लड़की पर सीटी मत बजाएं। हो सकता है कि वो आपकी नानी हो। तानिया, कॉन्सेप्ट्स वाकई चेंज हो रहे हैं, इट्स गुड, मगर देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। या डेफिनेटली। एक्सक्यूज मी। हेलो जी रऊफ। हाँ रऊफ, कैसे हो तुम? तानिया की अम्मी बोल रही हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कब आ रहे हो तुम हमारे घर? जी किस लिए? भाई खाने पे। मैंने कई बार तानिया को कहा है, मेरा ख्याल है वो भूल जाती है तुम्हें बताना। आंटी, तानिया ने मुझसे कभी जिक्र नहीं किया। कौन है? तुम्हारी अम्मी का।
हेलो मम्मी, यहाँ फोन करने की क्या जरूरत है आपको? तानिया, तुम तो बहुत भोली हो गई, बहुत ही बुद्धू हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि रऊफ से किसी दिन कहो घर पे आके डिनर करे हमारे साथ। नहीं अम्मी, हम लोग यहाँ पे बिजी हैं, मैं काम कर रही हूँ यहाँ। अच्छा चलो ठीक है, तुम रऊफ से मेरी बात करवाओ। नहीं नहीं, वो भी बिजी हैं। नहीं नहीं, मेरी बात करो, लाओ चलो दो। जी हाँ जी। रऊफ बेटे, भाई तानिया को तो तुम बीच में से निकाल दो। अब मैं तुम्हें इन्वाइट कर रही हूँ ना डिनर के लिए, बस किसी रोज भी इंशाल्लाह मैं तुम्हें फोन करूंगी। हाँ राय जी, इंशाल्लाह डेफिनेटली जी, आई विल कम अराउंड। ओके, खुदा हाफिज़। ओके। क्या कह रही थी अम्मी? कुछ नहीं, खाने पर इनवाइट कर रही थी। ठीक है दानिया, तुम जाओ और इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो। मिस्टर हैप्पीनेस, कभी मुझे लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा और सबसे कम मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? कभी इस पर बात हुई ही नहीं। हमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन तुमसे बात करके लगता है अपने आप से बात कर ली। आजकल जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही हूँ। मीर तकी मीर को पढ़ रही हूँ। स्माइल। मीर और स्माइल क्या कॉम्बिनेशन है। खैर, ईमेल करते हैं। काशिफ, काशिफ, क्या बात है? क्यों तलाश कर रहे हो काशिफ को? मामा, वो किरण से कुछ कहना था। काशिफ को मालूम होगा कहाँ होगी वो। वैसे किरण होती कहाँ है आजकल? किरण के इम्तिहान सर पर है, वो कॉलेज से आकर लाइब्रेरी चली जाती है। और ये मौसूफ क्या करते रहते हैं सर? बस बहुत मसरूफ है, यानी फारिग। आपने बात की उससे? भाई वो चैन से बैठे तो मैं कोई बात करूँ ना। आप चलिए। काशिफ, काशिफ, yes, नीचे आओ। ओके। यस बिग ब्रदर। किरण कहाँ? मेरी जेब में नहीं है, पूरी नहीं आती। आप अपनी जेब में चेक करें। ये फजूल हरकतें छोड़ो, थोड़ी मंगनी होने वाली है उसके साथ। जी मैंने भाई साहब की जिंदगी में ही किरण को मांग लिया था। काशिफ तुम बहुत खुशकिस्मत हो। लेकिन अभी मंगनी, अभी तो, अभी तो हमारा शुक्रगुजार होने की बजाय कह रहे हो अभी तो? मामा,
मैम भाई तुम ये बताओ कि तारीख कौन सी तय करें। इससे क्यों पूछ रही हैं आप? उससे पूछे जिसके इम्तिहान हो रहे हैं। ये साहब तो फारग है। मुझे तो सब फारग ही समझते हैं, काम से भी और अकल से भी। बाहर नहीं जाता हूं। किरण 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 तुम्हें एक जोक सुनाओ। तुम्हें एक जोक सुनाऊं? सुनाओ। घर वाले मेरी तुमसे मंगनी कर रहे हैं। तो तुम्हें इस बात पे हंसी नहीं आई? इसमें हंसने की क्या बात है मिस्टर काशिफ? हाँ, बात तो परेशानी की है। भला तुमने क्या जुर्म किया है जो तुम्हें इतनी बड़ी सजा दी जाए? आई थिंक सजा तो तुम्हें दी जा रही है। नहीं 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 नहीं, तुम तो बहुत अच्छी हो। तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा होना चाहिए। तुम उन्हें कुछ समझाओ ना। काशिफ प्लीज अपने काम खुद कर लिया करो। प्लीज अफशी, मेरा नाम किरण है और मुझे किरण रहने दो। सॉरी 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 सॉरी, लेकिन किरण अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगी तो और कौन करेगा? लेट मी गो प्लीज। ए तुम्हारी किताब छूटी लाइब्रेरी की है। अफशी मैंने अंकल से कह दिया है कि मैं तुम्हें रोजाना कॉलेज से ले लिया करूंगा। तुम्हें खामखा ऐसी तकलीफ होगी ना? तकलीफ तो तब होगी जब मैं यहाँ नहीं आऊंगा। खैर, अरे हाँ ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। कैसे? ठीक है। ये क्या किया तुमने? बस मैं ऐसा ही हूँ।